है दोस्तों, आप देख रहे हैं गॉड तक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनोज वाजपेयी की मां गीता देवी का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से गुजर रही थी। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। गीता देवी के यूं चले जाने से मनोज और उनकी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट गया और पूरी फैमिली सदमे में है। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे और मेरे भाइयों के लिए पढ़ाई के लिए खूब संघर्ष किया है। उन्होंने अपने पसंदीदा एक्टर मनोज कुमार के नाम पर मेरा नाम मनोज रखा है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में मनोज वाजपेयी के पिता राधाकांत वाजपेयी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। धन्यवाद दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और मनोज की मां के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन, जिससे कोई भी नई अपडेट आप तक पहुँच सकें।